इस वक्त शाम का टाइम हो गया है और रौनक में जो है काफ़ी इजाफा हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे फुल मतलब चमक दमक शुरू हो गया है और लोग भी जो है ना बहुत ज़्यादा आ गए हैं, फैमिलीज भी। तो शाम में यहाँ की रौनक है उसमें काफ़ी इजाफा हो गया है, बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल में पता नहीं है कोई टेम्पल भी है, उसको भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे जश्न वारा है और पार्टी वगैरह लगी हुई है, तो इस टाइम पर यहाँ पे जो है ना काफ़ी रौनक है, बहुत ज़्यादा फैमिलीज वगैरह आई हुई है। तो मैं जब आया था उस वक्त 4 बजने वाले थे, तो उस वक्त इतना रश नहीं था। अब इस टाइम पर जो है ना बहुत ज़्यादा रश है, तो इसलिए मैं फिर एक वॉक करूँगा। लेकिन यहाँ पर खौती रंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं स्पेसिफिक जगहों से जो है ना अपने शॉट ले रहा हूँ। यहाँ पर उन्होंने एक सकाफत टाइप की चीज़ बनाई हुई है, जिसमें चारों सूबों के हवाले से एक सकाफत शो कर रहे हैं। बेसिकली कोई ख़ास इसमें है नहीं, एक मॉडल रूम उन्होंने मतलब बनाया हुआ है यहाँ पे, एक मॉडल टाइप की जगह पे। ये दरख्त है, इसके नीचे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन इस दरख्त पे इन लोगों ने लाइटिंग नहीं की, जैसे बाकी दरख्तों में इन लोगों ने लाइटिंग की है। सिर्फ कुछ लाइटिंग होनी चाहिए थी तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता। यहाँ पे इन्होंने ये आर्टिफिशियल कुछ मतलब घर वगैरह बनाए हैं, जैसे गांव देहातों में मतलब मिट्टी के घर होते हैं, तो वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। और इस तरफ पेड़ वगैरह पिक ले रही, बेसिकली मैं दिखा नहीं सकता, जैसे उसमें जैसे लस्सी वगैरह को माँचते रहते हैं, उसको पछतों में मोटा कहते हैं और तरवे कहते हैं ना, वो भी उन्होंने साथ में रखी हुई है, जिस तरह खातिन और बच्चे वगैरह तस्वीर वगैरह बना रहे हैं। ये बेसिकली उन्होंने बनाए हैं गाँव का प्राइमरी स्कूल, कच्चा प्राइमरी स्कूल है पुराने ज़माने में, कि हमारी जो प्राइमरी स्कूल है वो कैसे होते थे। यहाँ ऊन भी उन्होंने बांधा हुआ है लोग दिखाने के लिए, जैसे गांव में सिंगापुर में ये आर्टिफिशियल बिल्डिंग के लिए गांव बनाया हुआ है, एक देहात उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये सामने स्कूल है, ये किसी घर है, ये हमारे यहाँ पे जानवर बने हुए हैं, उस तरफ गाँव का दुकान है बेसिकली, और उस तरफ घास फूस वाला सामान, तो उन्होंने प्रयाग मतलब विलेज बनाया हुआ है, गाँव बनाया हुआ है। ये बेसिकली इन्होंने कुआँ बनाया हुआ है आर्टिफिशियल गांव में, जैसे गांव में कुएँ होते हैं गांव की बीच में, तो ये बेसिकली एक कुआँ है। और ये इसका गरगढ़ है जिससे ओडुल बाहर निकलता है, जिसको हम लोग क्वेश्चन में कहते हैं बोका,